दूध पी रहा है ठीक है इसमें हम सबसे पहले पहले हम नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम एन लिखेंगे एक डॉट लगाएंगे एन मीन्स नेगेटिव पता चल जाएगा कि हम पहले नेगेटिव वाला सॉल्व करें तो वही फॉर्मूला सेम ही इसके फ़ौर बाद यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है उसके फ़ौर बाद वी विल पुट नॉट ही इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क इन लास्ट पे वी विल प्लेस द फुलवेटिव इंटरोगेटिव में हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम आई लिख देंगे और यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे छोटा सा कि देन वी आर गोइंग टू डिफाइन इंटरोगेटिव उसको हम क्या करेंगे उस पर हमने नॉट नहीं लगाना इंटरोगेटिव में नॉट हमने ऊपर वाले में लगाया था वो नेगेटिव था इंटरोगेटिव को हाल सेंटेंस को कि वो दूध पी रहा है तो हमने क्या चेंज करना है क्या वो दूध तो इस पर चेंज हम क्या करेंगे? था के जब हम पहले फर्स्ट uh, पे लेकर आएंगे तो आई जो हो जाएगा वो हमारा कैपिटल हो जाएगा इज़ ही देन हमारा ही आएगा इज़ ही ड्रिंकिंग बाकी का सेंटेंस सारा हमारा सेम रहेगा इज़ ही ड्रिंकिंग मिल्क और फिर फुल स्टॉप नेक्स्ट वन इज़ वी आर जम्पिंग ऑन द बेड हम बेड पे जम्पिंग कर रहे हैं इसको नॉट में चेंज करने के लिए पहले हम यहाँ पे एन लिखेंगे वी आर नॉट जम्पिंग ऑन द बेड हम बेड पे जम्पिंग नहीं कर रहे फिर आएगा आर वी इसको हम चेंज कर देंगे आर वी जंपिंग ऑन द बेड और लास्ट पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है <coughs> याद रखने वाली वो ये है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे तो हमने फुल स्टॉप प्लेस कर देना है लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चूंकि अब सवाल बन चुका है तो सवाल का जो सवालिया जो निशान होता है उसको क्वेश्चन मार्क होता है क्वेश्चन वाला जो मार्क है वो हम लास्ट पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के आगे उससे क्या होता है अगर हम पूरा सेंटेंस हमने सही किया हमने मेहनत किया हमने चेंज कर दिया इंटरोगेटिव में उसको कर दिया लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया तो उसका हमारा उसके हमारे मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे इतनी छोटी सी गलती की वजह से तो एक चीज़ दैट यू हैव ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इज डोंट फॉरगेट टू प्लेस क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सो आई सेंड आई एम सेंडिंग द पिक्चर ऑफ दिस आफ्टर सॉल्विंग दिस